अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। गोल डायरेक्टर मरियम साबिर हियर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी या एक्सप्लेन करूंगी तमाम तर ओरिफ्लेम पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स की तरफ से मिलने वाली अगस्त के मंथ की ऑफ़र्स। लेकिन पता क्या है, अब जैसे मैं ये वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की, और स्पेशली जो मेरे न्यू ज्वाइनर्स आ रहे होते हैं वो मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि वो ये वीडियो देखें ताकि उनको फ़ायदा हो और उनको पता चले कि कैसे वो तमाम तर ऑफ़र्स क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है हर महीने न्यू ऑफ़र्स आती हैं। सबसे पहले तो मैं कैटलॉग ओपन करूँगी, क्योंकि मोस्टली जैसे मैंने बताया कि 50% 60% हमारी कम्युनिटी न्यू ज्वाइनर्स की होती है, तो हमेशा याद रखें कि कैटलॉग हमेशा हर महीने चेंज होती है। अब ये आपके सामने ना इस महीने की कैटलॉग है, इसको अगस्त की कैटलॉग बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब इस महीने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है, तो वो तमाम लोग जो कि ओरिफ्लेम में ऑफ़र्स अवेल करना चाहते हैं उनको प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेंगी, बीपीज आएंगे, बिजनेस पॉइंट्स बनेंगे, तो ही वो कोई ऑफ़र क्वालिफाई कर सकेंगे। और बिजनेस पॉइंट्स कब बनते हैं? जब आप सेलिंग सीख लेते हैं। तो वो तमाम लोग जिनकी सेलिंग वीक है, मतलब वो लोग प्रोडक्ट्स बेचने में कमज़ोर हैं, उनसे प्रोडक्ट्स ज़्यादातर सेल नहीं होती, उन्होंने कैटलॉग ओपन करके देखनी है। यकीन करें इस महीने इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट है, और अगर सीजनल डिस्काउंट मैं बोलूँ, वेदर डिस्काउंट बोलूँ ना, तो ये कहना बिल्कुल बजा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखिए, ये जो इवन आउट सेट है ना, ये हम उन लोगों को देते हैं जिनको पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन का इशू होता है, ये डल स्किन होती है उनकी, ठीक है। और ये ड्राई टू नॉर्मल कम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स होती हैं, तो देखिए इनके सबके ऊपर डिस्काउंट है। बेसिकली अगर आप अच्छा सेलर बनना चाहते हैं तो आपने आज क्या करनी है, सबसे पहले ओरिफ्लेम की कैटलॉग ओपन करनी है अगस्त के मंथ की, ताकि आपको पता चले कि अगस्त के मंथ में ओरिफ्लेम की जो कैटलॉग है उसमें हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, और वो प्रोडक्ट्स क्या आपके सर्कल में फेमस हैं, क्या आपके सर्कल में डिमांडिंग हैं, क्या वो लोग जो हैं इन प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। तो आपने एक लिस्ट बनानी है, आज सबने टास्क है कि जो जो प्रोडक्ट्स इस महीने डिस्काउंट पर हैं ओरिफ्लेम पाकिस्तान की कैटलॉग में अगस्त के महीने में, आपने सबकी लिस्ट बना लेनी, उनके नेम, उनके बिजनेस पॉइंट्स और उनकी जो है वो कस्टमर प्राइजेस, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके सर्कल में कौन सी चीज़ें डिमांड में हैं, क्या आपके सर्कल में जो है वो लोग ब्रांड यूज़र्स हैं, पहले ये चीज़ तो देखना। उसके बाद आपके सर्कल में लोगों को एक्नी, ऑयली स्किन का इशू है, या लोगों को हेयर फॉल हो रहा है, या लोगों को ब्रांडेड परफ्यूम्स का शौक है, मतलब जो भी आप सर्च करेंगे, देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छे सेलर की निशानी होती है कि वो पहले ऑडियंस देखता है, ऑडियंस कैसी है उसकी। क्योंकि आप अगर ओरिफ्लेम में न्यू आए या पुराने आए हैं, अगर आपको अपनी ऑडियंस का नहीं पता कि आपकी कौन सी ऑडियंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी करते हैं नहीं करते, वो उनको ब्रांड का पता भी है या नहीं पता है, तो ऑब्वियसली फिर आपने उसके हिसाब से सेलिंग प्लान रेडी करना होता है। तो सब लोगों ने क्या करना है, इस महीने की कैटलॉग को ओपन करके देखना, देखें बहुत अच्छी प्रोडक्ट, यकीन करें मैं बोल नहीं रही, आप देखेंगे फ्रेग्रेंसेस पे डिस्काउंट है, स्किन केयर पे डिस्काउंट है, कॉस्मेटिक्स पे डिस्काउंट है, मतलब जिसको मेकअप की प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और समर स्पेशल अगर मैं देखूँ तो सारी की सारी जितनी भी समर इसेंशियल्स हैं उनके ऊपर डिस्काउंट है, ये देखिए सारे डिओड्रेंट्स कितने सस्ते मिल रहे हैं हमें, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता है हर बंदा कह रहा होता है कि उसको वाइटनिंग चाहिए भाई, तो ये जो हमारी रेंज है इसके ऊपर भी डिस्काउंट है, ठीक है, ग्लो इसेंशियल्स का लोशन और फेस क्रीम। फिर अगर ऑयली स्किन की बात की जाए तो प्योर स्किन का फेस वॉश डिस्काउंट पे है। अब आपको पता है फाउंडेशन, प्राइमर डिस्काउंट, मतलब कि जब आप कैटलॉग ओपन करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। तो बेसिकली पहला टास्क आपका क्लियर हो गया, और पहले ये कैटलॉग ऑफर्स को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, जो ऑफर्स अवेलेबल थी। उसके बाद जो मेन हमारा इस महीने का गिफ्ट है ना, जिसके लिए हमारी आवाम जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है, जो ऑफ़र है इस महीने की, वैसे तो हमें सेल्स एक्शन हर महीने मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ़र्स हमें हर महीने मिल रही होती हैं, जिसमें से सेल एक्शन भी एक ऑफ़र है। अगर आप सेल्स एक्शन में जितने भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं ना आप ले लेते हैं, इनको अवेल कर लेते हैं, तो कम से कम भी जो आपकी सेविंग हो रही है ना वो 29,000 की हो रही है, ठीक है। और ये जो हमारे सेल्स एक्शन गिफ्ट्स हैं आप इनको अवेल कर सकते हैं 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, ठीक है। इसके अलावा ये कि यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे पास तीन कैटेगरीज अवेलेबल हैं। पहली कैटेगरी में 2 परफ्यूम्स हैं 70 BPs पे मिल रही हैं, अगली कैटेगरी में हमें 50 BPs पे 2 कैटेगरीज हैं, अगली फिर जो हमारे पास एक कैटेगरी आ जाती है वो भी 50 वाली ही है, लेकिन उसमें भी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यस। अब मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा इनका प्रोडक्ट नॉलेज दे देती हूँ। सबसे पहली परफ्यूम है जुडानी गोल्ड वाइट ओरिजिनल EDP। आपको पता है ये जो फ्रेग्रेंस है शार्प है,
ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर वाइट ओरिजिनल आई थिंक लाइलक या पता नहीं कौन सा ये फ्लावर है वो यूज़ हुआ हुआ है, और मेरे पास इसकी है जोर्डानी गोल्ड की गोल्ड ओरिजिनल, ठीक है। पैकेजिंग सेम है, बस फ्रेगरेंस का फ़र्क है, वो फ्लोरल सी और पाउडरी पाउडरी सी फ्रेगरेंस है, ये शार्प नहीं है इतनी, मीठी मीठी सी है, ये शार्प है, मतलब कि ये थोड़ी शार्प ही है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये अच्छी फ्रेगरेंस है। उसके बाद अगर मैं एलवी की बात करूँ जो कि 70 BPs पे ही मिल रही है, आप ऑप्शन वो ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, अगर आप इसको अगेन लेना चाहते हैं उसका भी मैं बता दूँगी। एलवी फ्रेगरेंस भी बहुत कमाल की है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसकी पैकेजिंग जैसे ऊपर वाले की पैकेजिंग जब आप देखेंगे ना, अभी देखने में पता नहीं चल रहा है, इसका ढक्कन जो है ना, जो इसका कैप है, इतना खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, ठीक है। तो मतलब एक यूनिक है इसके अंदर, यूनिक कह लेंगे अपीयरेंस है, इसी तरह एलवी परफ्यूम की भी जो अपीयरेंस है वो आप देख सकते हैं, यूनिक है, बहुत खूबसूरत फ्रेगरेंस है, ये फ्लोरल भी है, पाउडरी सी भी है, हल्की हल्की, लेकिन यह है कि प्यारी फ्रेगरेंस है, अच्छी है, मतलब आप जब लगाओगे ना आपको पसंद आएगी। ये वाली फ्रेगरेंस ऑब्वियसली 50 BPs पे मिल रही है, तो इसकी वर्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है। तो ये वाली फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, ये भी फ्लोरल फ्रेगरेंस है, और मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखा दूँगी। ये 3 से 4 घंटे लाजमी लास्ट करती है, और 50 ml इसकी क्वांटिटी है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, लाइट सी है, डेली वेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 50 BPs पे अगेन जो ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं ना, 1 ऑप्शन में आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, एक है लेवेंडर जो है, सॉरी पहले मैं नाम पूरा लेती, लव नेचर रिफ्रेशिंग लेवेंडर EDC, ये क्लोंज का काम करता है, ठीक है, क्लोन बोल दें या क्लोंज बोल दें, ठीक है। उसके साथ लव पोशन का हमें छोटा सा बॉडी स्प्रे मिलेगा, पर्स स्प्रे मिलेगा, मतलब कि ये पैकेजिंग इसकी छोटी होगी, आई थिंक 10 ml होगा, लेकिन लव पोशन परफ्यूम जिन लोगों ने ट्राई की है, जो हमें बड़ी पैकेजिंग में ओरिफ्लेम की तरफ से मिली थी सेल्स एक्शन गिफ्ट्स में, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें डाल के हमें दी जा रही है, बहुत खूबसूरत लगेगी, आप अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, सफ़र कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। लेवेंडर की क्वांटिटी 300 ml आई थिंक, और ये ख़त्म नहीं होता, और ये कैसे यूज़ करना होता है, मतलब ये रिफ्रेशिंग सा होता है, और ये आप शावर लेके आए हैं तो आप अपनी बॉडी पे, अपने कपड़ों पे हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हैं, और ये मैं कहती हूँ जो ले लेगा एक दफ़ा, 1 साल यूज़ करेगा, ख़त्म नहीं होगा, बड़ा रिफ्रेशिंग इसकी फ्रेगरेंस है, लड़के लड़कियाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं इसको, तो मतलब मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हमारे पास 50 BPs में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, लव नेचर रिफ्रेश सिट्रस, क्योंकि इसके अंदर यानी कि ये फॉर मेन है, जेंट्स के लिए ये बनाया गया, ठीक है, तो ये इसके अंदर सिट्रस मेन एलिमेंट है, ऊपर था लेवेंडर, तो लेवेंडर की खुशबू में इसमें फ़र्क है। फिर लव पोशन का इसके साथ भी छोटा सा टेस्टर समझ लें या पर्स स्प्रे, ठीक है, परफ्यूम समझ लें। उसके बाद लास्ट पे हमें एक ऑप्शन अवेलेबल है, ऑन द एच परफ्यूम, इसके साथ ही आ रहा है ये वाली परफ्यूम ना मैंने ट्राई नहीं की, ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि जैसे ये 3-4 घंटे लास्ट करेगा और इसकी फ्रेगरेंस थोड़ी डिफरेंट होगी, मतलब ऐसे स्वीट सी जैसे हो ना, ऐसे स्वीट स्वीट सी, मीठी मीठी सी, लेकिन मतलब मैंने इसको ट्राई नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है इसका, और मैंने इसके बारे में प्रोडक्ट नॉलेज भी नहीं लिया, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, और अगर मुझे पता चल गया तो मैं बाद में आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगी। अब देखें हमारे पास 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, इनको अवेल कैसे करना है, सिंपल 70 BPs 50 BPs, ये तो मस्ट है, ये तो हर बंदे को पता है कि इतने बिजनेस पॉइंट्स हम इस महीने में करेंगे उस पर गिफ्ट मिलेगा। सबसे पहला सिनेरियो देखते हैं, जिसमें आप अगर अपने अगस्त के मंथ में 70 personal BPs कंप्लीट कर लेते हैं, मैं ऊपर आ जाती हूँ, तो आप ये देखें कि आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पता नहीं क्या बेचने वाला आ गया, लेकिन मैं वीडियो तो नहीं स्टॉप करूँगी, ठीक है, अच्छा, ये आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप अपने पर्सनल 70 BPs कंप्लीट करते हैं तो ऑप्शन ये वाला और ये वाला दोनों ले सकते हैं आप, जिसके अंदर जोर्डानी गोल्ड वाइट वाली ले लें आप, या फिर एलवी ले लें। अब क्राइटेरिया समझने की कोशिश करें, अगर आप ऑप्शन 1 और 2 ले लेंगे ना पहले, ठीक है, मतलब आपने एलवी पसंद आ गई आपको या ऊपर वाली पसंद आ गई, आपको दोनों शो होंगी, आपने इनमें से कोई एक ले ली है 70 BPs वाली पहले, तो उसके बाद आप 50 करेंगे ना, तो आपको ऑप्शन 3, 4, 5, 6, मतलब 4 ऑप्शन उनमें से कोई भी ले सकते हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहती हैं 120 के बाद 70 में 120 डालें तो कितने होते हैं, ये हो गए तकरीबन 140 में 50 और डालें तो आप उनमें से फिर 1 और 2 में से कोई ऑप्शन ले सकती हैं, ठीक है। फिर अगर 150 आपने कर लिए तो आप मज़ीद कोई ऑप्शन लेना चाहती हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है 140 में सॉरी 50 डाले तो 190 हो गए, 190 में अगर आप मज़ीद कोई एक और ऑप्शन लेना चाहती हैं 3, 4, 5, 6 में से, तो मज़ीद 50 करने, ये बहुत सिंपल है। बताने में शायद आप लोगों को थोड़ा वो लग रहा हो कि मैं थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कम्प्लेक्स हो रहा है, जबकि कुछ मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट्स ऐड करके आप एक दफ़ा अपनी ऐप यानी ऑर्डर ना कीजिएगा, ऐड करके ना कंटिन्यू करके ऐड करके देखिएगा, गिफ्ट आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने पहले 70 वाला नहीं लेना,
ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं ये वाला वेकअप परफ्यूम लूँ 50 वाला पहले, तो ऑब्वियसली पहले अगर आपने 50 वाला ऐड कर लिया, सिनेरियो टू की बात कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है फिर 70 बीबीज मजीद करेंगी, तो क्या होता है कि आप सॉरी 50 में 70 बीबीज मजीद ऐड करेंगी, ठीक है, तो आपको वन और टू ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन शो हो जाएगा। फिर अगर आप 50 प्लस 120 कर चुकी हैं, आप चाहती हैं 50 वाला ऑप्शन कोई लेना चाहें, तो फिर मजीद 50 कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ऑप्शन, और उसके बाद फिर अगर आप 50 करके करेंगे तो आपको 1, 4, 5, 6 में से ऑप्शन मिल जाएगा, 3, 4, 5, 6 में से। लेकिन आप चाह रहे 70 वाला दोबारा लेना है आपने, तो फिर आपने 70 बीबीज करने हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आता है कि आपने पहले 50 वाले ले लिया, फिर एक 50 वाला ले लिया, फिर एक 50 वाला ले, फिर एक 50 वाला, यानी आप 1-to-1 करके ना आप 70 वाला ले ही नहीं रहे, आप सिर्फ 50 वाला लेना चाहते हैं, तो ये आपको हो सकता है। अब एक ऑप्शन आता है कि मैम अगर मैं 70 वाला ही दो दफ़ा लेना चाहती हूँ, उसके लिए फिर ये करना है, आपने 70 बीबीज किए पहला ऑप्शन ले लिया, उसके बाद पहले 50 वाला एक ऑप्शन ले लिया, फिर 70 करेंगी ना आपको वो शो हो जाएगा। आई होप माई मैसेज इज़ क्लियर। बाकी हर ऑप्शन की जो रिडेम्पशन फ़ी है वो यहाँ पे 450 यानी 449 लिखी हुई है, 450 रुपये, और 5 बिजनेस पॉइंट्स तो हमें मिलते ही मिलते हैं इसके, ठीक है। तो ये बस तरीका कार है इसका, ठीक है। बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसीज हैं, वो तमाम लोग जो कि अपने सर्कल में सिर्फ स्किन केयर को सेल कर रहे हैं, हेयर केयर को सेल कर रहे हैं, बॉडी केयर को सेल कर रहे हैं, मतलब शैम्पू वैम्पू सेल कर करके थक गए हैं, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स, आपको मैं मशवरा दूंगी आप सब लोग इस ऑफर को क्वालिफाई करें। दराज से छोटे छोटे टेस्टर्स मिलते हैं 10-10 ml की खाली डिब्बियाँ, उनको इसमें इधर से उनके अंदर फिल करके परफ्यूम्स ना अपने कस्टमर्स को भेजना शुरू करें। यकीन करें जिस बंदे ने आपसे एक एक दफ़ा ये फ्रेगरेंस जो है वो ख़रीद ली ना, वो आपसे ओरिफ्लेम की बाकी फ्रेगरेंस भी खरीदने के लिए आएगा। फिर आपको पता है अगर 8,000 का परफ्यूम है उस पे से कम भी आपका सीधा सीधा 1500-2000 प्रॉफिट होता है, और सीधे सीधे आपके 30-25 बीबीज कंप्लीट हो रहे होते हैं। वो जो हम एक एक शैम्पू एक एक क्लेंजर सेल कर रहे होते हैं ना, झंझट ही ख़त्म होता है। सेल्स एक्शन भी हो गया। अच्छा, लीडर्स क्लब के बारे में ज़्यादा यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये 15% एंड अबव मैनेजर्स के लिए होता है, ये कंपनी की तरफ से हमें फ्री में मिल रहा होता है जब आप इसका क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत वॉच है ये। अच्छा जी, लॉयल्टी ऑफ़र, वो तमाम लोग जो कि अगस्त के महीने में अगर अपने पर्सनल बिजनेस पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं 159, तो वो इस ऑफ़र के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सितंबर में उनको जस्ट 999 में उनके बैग में, शॉपिंग बैग में ऑटो ड्रॉप हो रही होगी, जिसके अंदर हमारे पास जेम्स का क्रॉसबॉडी बैग है, जेम्स की वेमन वॉच है, दोनों बहुत खूबसूरत, दोनों बहुत लग रही हैं। वो तमाम न्यू ज्वाइनर्स जो कि 50 या 170 टोटल करके या 120 टोटल करके दो दो गिफ्ट्स ले रहे होंगे ना, वो 30 बीपीज मजीद करेंगे, 150 करेंगे तो बिजनेस क्लास क्वालिफाई हो जाएगी। अगस्त के मंथ में अगर आप अपने पर्सनल बीपीज 150 कंप्लीट करेंगे, तो सितंबर में आप कोई भी दो प्रोडक्ट्स ओरिफ्लेम की पूरी कैटलॉग में से 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। इसको कहते हैं बिजनेस क्लास। अभी 150 पे बिजनेस हो रही है, 10 बीपीज मजीद करेंगे तो लॉयल्टी हो जाएगी, क्लियर। तो कोशिश करें, 4-4 ऑफर्स यहाँ पे 5-5 मिल रही होंगी आपको। उसके बाद एक हमारे पास बहुत खूबसूरत कह लें कि चीज़ आई है, जिसको कहते हैं इस पे इसके बीपीज, ये क्या रहा है एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो वेब ऑफ़र्स होती हैं, ठीक है, वो तो हर महीने आ रही हैं। आप ऑफ़र्स वाले पेज में जाएंगी, शॉपिंग बैग जो मतलब ओरिफ्लेम ऐप में होता है ना, उसमें आप लॉगिन करके गूगल से या उधर से जब आप लॉगिन करेंगी, या आप समझ लें कि अपना ब्रांड पार्ट नंबर एंड पासवर्ड लगा के जब आप जो है वो साइन इन कर लेंगी अपनी ओरिफ्लेम ऐप में या उस पर क्या कहते होते हैं वेबसाइट पर, तो फिर आपने शॉपिंग बैग ओपन करना है, कंटिन्यू करना है, तो आपको वेब ऑफ़र्स शो हो रही होंगी। ये प्रोडक्ट्स हमें तकरीबन 60% एंड अबव से भी अबव डिस्काउंट पर मिल रही होती हैं, तो इनके ऊपर भी हम काम करके अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। ये जो सिग्नेचर सेविंग प्रोग्राम है ना, इससे पहले लीडर्स क्लब हो गया, ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम, वो मैं बाद में समझाती हूँ। ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम एक ऐसी ऑफ़र है, वो तमाम लोग जो कि अगस्त के महीने में ज्वाइन करेंगे ओरिफ्लेम को, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने पर्सनल 70 बीपीज कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह सितंबर में आपको कंपनी की तरफ से फर्स्ट ऑप्शन में से कोई एक प्रोडक्ट जस्ट 299 रुपीज़ में मिल रही होगी। इसी तरह अगर आप सितंबर में भी अपने 70 बीपीज कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह अक्टूबर में आपको कोई भी एक प्रोडक्ट जस्ट 299 रुपीज़ में मिल रही होगी ऑप्शन टू में से। और अगर अगस्त सितंबर उसके बाद नवंबर में भी आप अपने पर्सनल 70 बीपीज कंप्लीट कर लेंगे, तो दिसंबर में आपको इन सारी प्रोडक्ट्स में से जो पेज 3 पे अवेलेबल हैं कोई एक प्रोडक्ट जस्ट 299 रुपीज़ में मिल रही होगी। मतलब आप देखिए 70 बीपीज पे वो गिफ्ट तो ले रही हैं आप, ठीक है, और अगले महीने के लिए भी आप एक जो है वो ऑफ़र क्वालिफाई कर लेंगे, एक गिफ्ट क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑनगोइंग वेलकम प्रोग्राम होता है, मज़ीद भी आपको ग्रुप्स में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सिग्नेचर, एक मिनट, सारी हो गई हैं, लॉयल्टी हो गया, सिलेक्शन हो गया, लीडर्स क्लब हो गया, ऑनगोइंग हो गया, अगस्त की प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। आपको पता है कि हर महीने आप कंपनी हमें एक या दो प्रोडक्ट्स ऐसी देती है
जिसके ऊपर फ्लैट 50-60% डिस्काउंट चल रहा होता है, और वो सीजनल प्रोडक्ट होती है, मतलब वो डिमांडिंग प्रोडक्ट होती है। अगर हम इस दो प्रोडक्ट्स की बात करें जो कि प्रोडक्ट्स ऑफ द मंथ हैं, इसमें सबसे पहली प्रोडक्ट अगर मैं इसका नॉलेज दूँ तो ये हमारे पास आप समझ लें कि हेलोरोनिक मिस्ट है, या आप कह लें कि वो तमाम लोग जिनकी स्किन डल है, जिनकी स्किन के ऊपर जो है वो बिल्कुल रौनक नहीं है, शाइन नहीं है, और ये आपकी स्किन को बूस्ट कर देगा एक किस्म का, ठीक है। आप समझ लें कि आपकी स्किन के लिए एक सीरम है, और जैसे आजकल मॉनसूनस हैं, ठीक है, वेदर ऐसा हुआ है कि लोगों की स्किन चिपचिपी सी हुई हुई है और स्किन केयर करने का दिल नहीं करता, आप इसको अपने फ्रिज में रखें और फेस वॉश करने के बाद आके इसको स्प्रे कर लें, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ओबियसली इसके अंदर हेलोरोनिक एसिड जो है वो ऐड है, तो ये आपकी स्किन को, मैं कहती हूँ जिनकी स्किन, ज़रूरी नहीं है कि इसको ऑयली वाले यूज़ कर सकते हैं, ऑल स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि आपकी स्किन के ऊपर नेचुरल शाइन लेके आएगा और आपकी स्किन को बूस्ट कर देगा, थोड़ी सी रिफ़्रेश कर देगा, ठीक है। जैसे लोगों को देखा रोज़ वाटर को लोग कहते होते थे कि रोज़ वाटर रिफ़्रेशिंग कर दे, अब आपको पता है हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि इतने ज़्यादा, मतलब हमें रोज़ वाटर अब काम ही नहीं कर रहा होता। उसकी रीज़न यही है कि हमें फिर इस तरह के जो एक्सफोलियंट्स होते हैं, इस तरह के एसिड्स या केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि साइंटिस्ट ओबियसली हमें रिकमेंड करते हैं आफ्टर फॉर्मुलेशन, तो वो इसमें मौजूद है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट है हेयर एक्स का हेयर मास्क, डैमेज और ड्राई हेयर के लिए, और जिनके हेयर जो हैं वो जैसे लोगों को स्प्लिट एंड्स का इशू होता है, दो मुंह बाल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाल डल ड्राई खुरदरे से हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं फील होते, तो वो तमाम लोग इसको ट्राई करेंगे। और ये मेरा ख्याल इसकी एक्सपायरी भी काफ़ी लंबी है, 2025 के पता नहीं 8वें 9वें महीने में जाके, यानी कि एक साल तक की एक्सपायरी है। यूज़ करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, आपने क्या किया जी, शावर लेके आए हैं शैम्पू करके, उसके बाद अपने डैम्प हेयर में ना आपने इसको अप्लाई कर लेना है कोई 20-25 मिनट के लिए। आप अगर आपके पास हेड कैप है वो पहन लें, उसके बाद रिंस ऑफ कर दें, मतलब सादा पानी से वॉश कर दें, कॉम्ब कर लें, बड़ा यू नो सिंपल इसका है, आपके बाल स्मूथ शाइनी सिल्की हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही प्रोडक्ट ऑफ द मंथ रह गई है, सॉरी सिग्नेचर। इसमें क्या है कि आपने अपने, जैसे हम 150 बीपीस कंप्लीट करके वो ले रही है ना, क्या कहते होते हैं ये मैंने वेब ऑफर खोली है, जैसे हम 150 बीपीस कंप्लीट करके एक ऑफ़र क्वालिफाई कर रहे हैं जिसको कहते हैं बिजनेस क्लास, अगर हम क्या करते हैं कि हम सिग्नेचर ऑफ़र को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसमें ना कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें फिर डिस्काउंट पे मिलेंगी, मतलब कि आप ये समझें कि मैं यहाँ से स्क्रीन शॉट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें से यानी कि जैसे बिज़नेस क्लास में तो हमारे पास ये होता है ना कि हम सिर्फ हमारे पास ये होता है कि हम कोई भी दो प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपके पास एक लिस्ट आ गई है, ठीक है, आप वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया हुआ इसका, ये देखें, इसको प्रोडक्ट ऑफ द मंथ ही कहते हैं। आपने करना क्या है, अपने पर्सनल मिनिमम भी अपने पर्सनल 125 बीपीस कंप्लीट करने हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आपके पास ये जो लिस्ट है ना, ये इसमें से पूरी लिस्ट में से कोई भी आपको, सॉरी मैं दोबारा ओपन कर लेती हूँ, पूरी लिस्ट में से कोई भी दो कोड आप कंपनी की तरफ से कितने परसेंट डिस्काउंट पे ले सकते हैं, 60% डिस्काउंट पे ले सकते हैं अगस्त के महीने में। देखिए जहां आपने पहले 70 बीपीस किए या 100, फिर उसमें 50 ऐड कर लिए तो कितने बन गए 120, 5 बीपीस मजीद कर लेंगी तो आप इस ऑफ़र के लिए भी क्वालिफाई कर लेंगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना वो बिज़नेस क्लास नहीं कर रहे या वो बाकी ऑफर्स को क्वालिफाई नहीं कर रहे, आपने बस अपने पर्सनल 125 बिज़नेस पॉइंट्स इन द मंथ ऑफ अगस्त कम्प्लीट करने हैं। इसमें सेल्स एक्शन के बीपीस नहीं ऐड होंगे, याद रखिएगा जो हमें गिफ्ट्स के बीपीस मिलते हैं ना उसको निकाल के आपने 125 करने हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो ये ऑफ़र क्वालिफाई हो जाएगी और सितंबर में आप इन तमाम प्रोडक्ट्स में से कोई एक दो प्रोडक्ट्स 60% डिस्काउंट पे ले रहे होंगे। वीडियो लंबी हो गई है, तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि तमाम ऑफ़र्स को क्वालिफाई करने की कोशिश करें। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करना था, बाकी आप लोग समझदार हैं, ऑलरेडी भी आप लोगों के पास पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, कोशिश करें कि इसके ऊपर काम करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, साथ साथ अपनी स्पॉन्सर से पूछें कि मैं ये ऑफ़र अगर क्वालिफाई करना चाहूँ तो कैसे करनी है, ये कैसे करनी है, ताकि उनको पता हो कि आप कर रही हैं काम, उन्होंने आपको गाइड करना है, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। एक लास्ट पे चीज़ कहूँगी कि जो भी ऑफर्स होती हैं ना, जो गिफ्ट्स हमें मिल रहे होते हैं, वो हमने महीने के एंड पे अपनी शॉपिंग बैग में ऐड करके ऑर्डर करने होते हैं, कंपनी खुद डिलीवर नहीं करती, ठीक है। जैसे सेल्स एक्शन गिफ्ट्स हैं या ऑनगोइंग वेलकम प्रोग्राम है या हमारा लीडर लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, वो जब भी जिस महीने में हमें मिलना होता है उस महीने हमने उसको ऑर्डर करके अपने घर के एड्रेस पर मंगवाना होता है, ठीक है।
तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी टीम के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.